हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम डीएच लॉरेंस की बायोग्राफी कंप्लीट करेंगे। 45 बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट है एंड उसके बाद 30 to 35 हमारे एमसीक्यू है इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, पॉइंट्स एंड एमसीक्यू एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके डीएच लॉरेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आज क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा अपना बिना बातें किए सारा वीडियो शुरू कर देती हूँ, पर हाँ, आज मैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दर्शन सिंह, जिन्होंने मुझसे मेरा ईमेल आईडी मांगा और मुझे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ भेजी हैं। और डीएच लॉरेंस के लिए उन्होंने बोला है, सभी बच्चे बोलते हैं तो मैं स्पेशली बना ही देती हूँ डीएच लॉरेंस का, उन्होंने बोला है। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे कई सारे एमसीक्यूज़, जैसे मैंने मास्टर कैडर प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट उन्होंने मुझे इंग्लिश लिटरेचर के दिए हैं। तो थैंक यू फॉर, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे इस वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। और एक और बात है कि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि हाँ, स्पेशली यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा के बच्चों को सोचकर मैंने ये चैनल बनाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे नए स्टेट के जब जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे कि पंजाब की जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसको लेकर मैंने बनाया, प्लस अभी हिमाचल प्रदेश के, झारखंड के बच्चे भी जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। BHU DU बोलते हैं बच्चे ये बनाना है, तो अच्छा लगता है। और जो बच्चे ऐसे बोलते हैं मैडम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का बनाओ, तो प्लीज़ बोलो यूनिवर्सिटी, अपने नाम लिखा करें यूनिवर्सिटी का और जो भी है वो लिखा करें। स्पेशली अगर वो खुद से ही लिख दें कमेंट बॉक्स में कि भाई इतना सा सिलेबस है, जो उनको क्लियर नहीं है, फेमिलियर नहीं है, तो वो बता दें तो अच्छा होगा, मेरा टाइम बचेगा, है ना। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है डीएच लॉरेंस है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इनका पॉइंट यह है, एमंग मॉडर्न इंग्लिश ऑथर, ये मॉडर्निज्म के तहत हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्निज्म में आते हैं ये इंग्लिश ऑथर। डीएच लॉरेंस इज प्रीएमिनेंट फॉर द सीरियसनेस एंड फुलनेस ऑफ हिज कमिटमेंट टू व्हाट ही रॉट, जो लिखते हैं उसके, जो उनका लिखते हैं और जो कमिटमेंट उनका रहता है फुलनेस सीरियसनेस का, उसके लिए स्पेशली जाने जाते हैं। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट बट ही डिस्पाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, इस कॉन्सेप्ट के लिए इनको स्पेशली माना जाता है। जन्म की इनके बर्थ पे आ जाते हैं 11 September 1885 ईस्टवुड UK में इनका जन्म हुआ है ब्रिटिश। ठीक है, इन अ स्मॉल कोल माइनिंग विलेज, ये जो कोल माइनिंग वर्ड है इसको माइंड में रख लो, क्योंकि ये इनके फादर कोल माइनर थे। ठीक है, खदान, वो कोयले की खदान में काम करने वाले, और फिर यही चीज़ इन्होंने अपने वर्क में कोल माइनिंग रीजन सेट किया है, कई जगह पे आएगा ये जगह नाम। ठीक है, ये वर्ड, तो बर्थ इनका कहाँ हुआ है, कोल माइनिंग विलेज में ईस्टवुड UK में 1885 में 11th of September, डिमाइस 2nd of March 1930 वेंस फ्रांस में हुई है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका फुल नेम है, इनको और प्यार के निकनेम में आ जाए तो बर्ट भी लिख देते हैं। जनर इनका है मॉडर्निज्म, फादर इनके हैं आर्थर जॉन लॉरेंस जो कि माइनर थे, ठीक है, उसी कोल माइन में काम करने वाले। मदर इनकी लीडिया बर्ट्स शेल, और ये इनसे अपनी मदर के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, इमोशनल अटैच्ड। 1891 to 1898 इसका देखते हैं इनकी एजुकेशन स्टार्टिंग से, तो ही अटेंडेड ब्यूविल बोर्ड स्कूल, ये नाम आ जाएगा स्कूल का, बिकमिंग द फर्स्ट लोकल पीपल टू विन अ कंट्री काउंसिल स्कॉलरशिप टू नॉटिंगम हाई स्कूल, ये नाम चलता है इनके रचनाओं में। ठीक है, नॉटिंगम, तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि देखिए ये स्कूल में इन्होंने एडमिशन हुआ, ठीक है, प्राइमरी, और उसके बाद सिर्फ ये वहीं अपनी लोकेलिटी के फर्स्ट ऐसे जो व्यक्ति थे, ओनली फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक स्कॉलरशिप जीता, विन किया, और नॉटिंगम हाई स्कूल में इनको जाने का, पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, और फिर ये नॉटिंगम में रहे 1898 to 1901 में। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना तो इजी लगता है हमको टाइमलाइन वाइज। नॉटिंगम हाई स्कूल आ गया 1901 में, देखिए वर्किंग फॉर 3 months, इसके बाद इस स्कूलिंग के बाद वर्किंग फॉर 3 months एज अ जूनियर क्लर्क एट अ हेवुड सर्जिकल अप्लायंस फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का नाम है जहाँ इन्होंने एज अ जूनियर क्लर्क सिर्फ 3 महीने के लिए जॉब किया, बट सीवियर बाउट ऑफ निमोनिया एंडेड इज करियर, उनकी जो हेल्थ नहीं अच्छी रही तो उनको ये करियर उनका एंड हो गया। और 1902 एज अ पीपल टीचर एट द ब्रिटिश स्कूल इन ईस्टवुड, और फिर एक 1902 में इस क्लर्क की जॉब के बाद ये एक पीपल टीचर के रूप में ब्रिटिश स्कूल में ये पढ़ाने लगी। ठीक है, टीचिंग करियर में आ गई।
आफ्टर बर्ट नियरली डेड फ्रॉम निमोनिया, बर्ट इन्हीं के लिए यूज़ किया गया है, हमारे डी एच लॉरेंस के लिए भाई ये वर्ड। तो जैसा कि निमोनिया से ये मरते मरते ही बचे थे, जो लीडिया थी इनकी मदर डिवोटेड हरसेल्फ टू हिम, तो बिल्कुल इनकी मदर अब इनके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई थी। दिस रिलेशनशिप इंक्लूडिंग लीडियाज लव फॉर हिम इज एग्जामिन्ड इन डेप्थ लॉरेंस लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सन्स एंड लवर। ये इनका नॉवल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और इनकी मदर का और इनका जो रिलेशन है डीपली इस वर्क में हमें देखने को मिलता है। 1913 में ये पब्लिश हुई थी, हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी द नॉवल ऑल्सो फोकस ऑन इंडस्ट्रियलिज्म। सन्स एंड लवर जो है, देखिए ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, कोल माइन में इनके जो फादर काम करते थे वो चीज़ें बताई हैं, इंडस्ट्रियलिज्म पर भी इन्होंने पूरा जिक्र किया, अपनी लाइफ पूरी उसमें रखी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1906 ही बिकेम अ स्टूडेंट टीचर एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंगहम एंड स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम राइटिंग इन अर्नेस्ट। इट वाज एट दिस टाइम ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी। 1906 में इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश कराई थी। तो ये बात हो गई, प्लस जो ये जॉब कर रहे थे टीचर वाली वो कर ही रहे थे, है ना। 1908 स्टिल ही एक्सेल्ड इन हिज वर्क एंड अपॉन ग्रेजुएशन इन 1908 रिसीव्ड अ जॉब एट द डेविडसन रोड बॉयज स्कूल। ठीक है, अब ये नॉटिंगहम स्कूल जो कॉलेज था वहाँ पे जॉब हो रही थी। उसके बाद ये आ गए कहाँ, डेविडसन रोड बॉयज़ स्कूल नियर लंदन, लेफ्ट इज स्मॉल टाउन। उन्होंने अपना वो स्मॉल टाउन छोड़ दिया जहाँ वो रहते थे, और अब यहाँ पे इनको जॉब मिल गई 1908, रिमेनिंग देयर 1912, 1912 तक यहाँ रहे, ये टीचिंग जॉब थी। और ये जॉब इन्होंने जो 1912 में छोड़ी थी वो क्यों छोड़ी थी, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से। 1910 लॉरेंस हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विथ हिज मदर व्हेन शी डेड ऑफ कैंसर। इनकी मदर का जो है, इनकी मदर की मृत्यु 1910 में हो गई थी, और शी डेड ऑफ कैंसर। लॉरेंस ग्रीफ बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। 1910 में ही देखिए क्या है, डी एच लॉरेंस पब्लिश्ड वन ऑफ हिज फर्स्ट सक्सेसफुल बुक्स द वाइट पीकॉक इन 1910, हेल्प जेसी चैम्बर्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाली बातें चल रही हैं सारी, ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे, टाइमलाइन का अभी देखते चलें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने आगे वहाँ सब मिलेगा हमको, यही पूछा जाएगा जो अभी पढ़ रहे हैं। वाइट पीकॉक इनका फर्स्ट जो है सक्सेसफुल बुक रही इनकी, 1910 में पब्लिश हुआ था, है ना, और किसकी हेल्प से पब्लिश हुआ था, जैसी चैम्बर के हेल्प से। 1912 वाइल टीचिंग इन डेविडसन रोड स्कूल, उस स्कूल में टीच करते हुए क्राइडन में, ही कंटिन्यूड राइटिंग, अपनी राइटिंग भी इन्होंने कंटिन्यू रखी। इन मार्च 1912 ही मेट फ्रीडा वीकली, अ जर्मन लेडी, इनसे मिले। ये जो थी, ये जो जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ थी, विथ होम ही वॉज टू शेयर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और फिर इन्हीं के साथ, मतलब इनने अपनी पूरी लाइफ बिताई, मैरिज कर ली। 1912 द डॉटर इन लॉ पब्लिश हुआ, इनका फर्स्ट प्ले था द डॉटर इन लॉ, ये 1912 में पब्लिश हुआ। क्वेश्चन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इस फर्स्ट प्ले डॉटर इन लॉ पब्लिश हुआ 1912 में। एक और उनका प्ले है लव पोएम एंड अदर्स, ये पब्लिश हुआ था 1913 में, ठीक है, लव पोएम्स एंड अदर, ये प्ले नहीं सॉरी वर्क है, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, पोइट्री का वॉल्यूम, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स कह सकते हैं, लव पोएम्स एंड अदर्स पब्लिश हुआ था 1913 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1913 में आया इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस वर्क सन्स एंड लवर, ऑटोबायोग्राफिकल है नोवेल, इनका मास्टरपीस कहा जाता है ये, ठीक है। और ये जो पिछले तीन हमने पढ़े हैं ना, सर लव पोएम एंड अदर, सन्स एंड लवर, एंड एक और जो ये वाला हमारा था डॉटर इन लॉ, ये जो पब्लिश हुई ना 1912 में 1913 में, तो ये पब्लिश हुई, मैंने लिखा है ना ऑल थ्री वाइल ट्रैवलिंग विथ लव, ये जो थे फ्रीडा के साथ, फ्रीडा थी जर्मनी की, तो जर्मनी उनके साथ चले गए थे, और उसी ट्रैवल उस बीच ये मैक्सिको यूएस कई जगह इन्होंने ट्रैवल किया फ्रीडा के साथ ही, तो वहीं से जो है उसी दौरान उन्होंने ये वर्क लिखे और पब्लिश कराए थे। 1914 दे रिटर्न टू इंग्लैंड, दे यानी कि ये दोनों फ्रीडा एंड दे रिटर्न टू इंग्लैंड एंड वर मैरिड एट किंगस्टन रजिस्ट्रार ऑफ लाइन ऑन जुलाई 14 1914 जुलाई 14 में इन्होंने इंग्लैंड आकर शादी कर ली। एंड 1919 दे लेफ्ट इंग्लैंड वंस मोर, 1919 में फिर से ये इंग्लैंड छोड़ दिया इन्होंने, कहाँ चले गए ट्रैवलिंग करें, यूरोप, विद इन यूरोप में, एंड देन फर्दर फील टू सीलोन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको एंड न्यू मैक्सिको, इतना ये ट्रैवलिंग पे रहे। 1925 रिटर्न टू यूरोप विद फ्रीडा, स्पेंट मच ऑफ हिज लास्ट टाइम इन इटली विद शॉर्ट विजिट टू इंग्लैंड, द लास्ट विजिट इन 1926। देखिए
ये बताना जा रहे हैं इंग्लैंड के, तो है ना ये ब्रिटिश, हम जैसे लिखेंगे तो ब्रिटिश राइटर्स हैं मॉडर्न एज के, लेकिन हाँ ये इतना ट्रैवल पे रहे और 1925 में ये फिर यूरोप जो आ गए, इंग्लैंड आ गए, तो फिर आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना जो है ना लास्ट जो समय है, जैसे हमने पढ़ा ना कि मृत्यु इटली में हुई थी ना वेंस में, तो अंतिम समय इनका इटली में ही बीता मोस्टली पूरा समय, लेकिन हाँ उस बीच ही लास्ट टाइम 1926 में इंग्लैंड आए थे। एंड डैड इनका जो मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1938 वेंस इन द साउथ ऑफ फ्रांस, ही डैड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड वॉज ब्यूरीड एट वेंस इन द साउथ ऑफ फ्रांस। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था कि भाई डिमाइस हुई इनकी 1930 में और फ्रांस में हुई ये सब है, और 1926 में लास्ट ये आए थे हमारे इंग्लैंड विजिट में, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, बट इन 1935 आफ्टर 5 years हिज एशेज वर कैरीड टू न्यू मैक्सिको वेयर हिज वाइफ हैड एक्वायर्ड हिज प्रॉपर्टी। न्यू मैक्सिको में इनकी प्रॉपर्टी थी, वहाँ इनकी वाइफ जो थी इनके ऐशेज जो है लेके वहाँ चली गई थी 1935 में, इनके ऐशेज वहाँ ले जाई गई थी। हिज अर्ली पोएम्स रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एज्रा पाउंड। देखिए एज्रा पाउंड भी बहुत फेमस इंग्लिश के हमारे लिटरेचर के पर्सनैलिटी हैं। हिज तो अर्ली पोएम जो थी इनके इन्फ्लुएंस से इन्होंने लिखी थी लियश लॉरेंस ने, एंड इमेजिस्ट मूवमेंट विच रीच्ड इट्स पीक इन द अर्ली टीन्स ऑफ 20th century। तो ये जो इमेजिस्ट मूवमेंट था और एज्रा पाउंड थे ये 20th century के समय, इनसे ही इन्होंने प्रभावित होकर अपने अर्ली पोएम्स लिखे थे। व्हेन एज्रा पाउंड अटेम्प्टेड टू ड्रॉ लॉरेंस इनटू हिज सर्कल ऑफ राइटर्स फॉलोअर्स, हाउएवर लॉरेंस डिसाइडेड टू परस्यू अ मोर इंडिपेंडेंट पाथ। देखिए क्या है, एज्रा पाउंड को पता था ये उनको उनसे इन्फ्लुएंस होकर पोएट्री लिख रहे हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम हमारे राइटर सर्कल में आ जाओ, फॉलोवर्स में आ जाओ, पर इन्होंने एक अलग इंडिपेंडेंट रास्ता ही चुना। ही बिलीव्ड इन राइटिंग पोएट्री दैट वाज स्टार्क इमीडिएट एंड ट्रू टू द मिस्टीरियस इनर फोर्स विच मोटिवेटेड इट। ठीक है, ऐसी अलग तरह की पोएट्री चुनी उन्होंने, मिस्टीरियस और इनर फोर्स मोटिवेट करे इमीडिएट। हिज नोवल सन एंड लवर्स 1930 में जो पब्लिश हुआ था, द रेनबो 1915 में आया था जो, एंड वुमेन इन लव 1920 में पब्लिश हुआ था, मेड हिम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 20th century। ये तीन नॉवल्स थे जिन जो इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए 20th century में। वर्क पे आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। नॉवेल्स कौन कौन से रहे इनके, द वाइट पीकॉक, द ट्रीज पासर, सन्स एंड लवर्स ये ऑटोबायोग्राफिकल है इनका, द रेनबो 1915 में आया, वुमेन इन लव 1920, द लॉस्ट गर्ल 1920, फिर एरॉन्स रॉड, कैंगारू ये थॉट एडवेंचर के ऊपर है कैंगारू, द बॉय इन द बिश 1924, द प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटरलेस लवर, भाई ये तो आप माइंड में रखिए, लेडी चैटरलेस लवर के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल रहा ये। ठीक है, 1928 लिखा है पब्लिशिंग ईयर, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था 1960 तक पब्लिकली, छुप के जो है इसको करा था, ऑब्सीन नॉवेल है ये। द स्कैप्ड कॉक ये पब्लिश हुआ था ये द मैन हु डेड के रूप में, ये जो इनका वर्क है द मैन हु डेड वो यही वाला वर्क था, पर उसको इस नाम से बाद में रिपब्लिश भी कराया गया था। लेडी चैटरलेस लवर इनका बहुत ही फेमस नॉवेल है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पे आ जाते हैं इनके, लव अमंग द हेस्टेक्स 1930, तो इसका मतलब ये एंड अदर स्टोरीज, मतलब इन सारे जो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन जो होते हैं ना, कलेक्शन है, तो एक कलेक्शन में माना कि हमारे 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं, है ना, तो अब इस कलेक्शन को नाम क्या दें, तो एक स्टोरी का नाम उस पूरे कलेक्शन को दे देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं एंड अदर स्टोरी, तो ऐसे ही ये नाम है सारे, लव अमंग द हेस्टेक एंड अदर स्टोरीज, इंग्लैंड माय इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज, द पर्शियन ऑफिसर, इस तरह से 1914 में पब्लिश हुआ, द वुमन हु रोड अवे, द प्रिंसेस, द मॉर्टल कॉइल, सेंट मेवर, द हॉर्स डीलर्स डॉटर, ये सारे इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट जो है वही लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं इनके। प्लेज में देख लेते हैं, द कंप्लीट प्लेज ऑफ डी एच लॉरेंस 1965 में आए, कंप्लीट प्लेज एक उसमें कलेक्शन में सारे इनके प्लेज रहे, द फाइट ऑफ बारबरा 1933, टच एंड गो, डेविड, ये सब इनके इंपॉर्टेंट प्ले। पोइट्री देखिए इनकी लिखे ऑलमोस्ट 800 पोएम्स इन्होंने लिखी, तो देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लव पोएम्स एंड अदर्स 1913, द कंप्लीट पोएम्स ऑफ डी एच लॉरेंस, न्यू पोएम्स बे बुक ऑफ पोएम्स, ये इधर से क्वेश्चन आ चुका है, टॉर्टोइज, नेटल्स, फायर एंड अदर पोएम्स डीलिंग विथ नेचर,
देखिए एक इनकी पोएट्री की क्वालिटीज हम देख सकते हैं, टाइटल से ही समझ में आ जाएगा ना, फायर बे टॉर्टोइस, तो क्या नेचर को डील करते हुए इन्होंने वो थीम चुनते हुए लिखी है अपनी पोएट्री। ट्रैवल बुक इनकी ट्विलाइट इन इटली, सी एंड सर्डिनिया, मॉर्निंग इन मैक्सिको, इनकी ट्रैवल देखो ट्रैवल किया था ना इटली मैक्सिको का, तो उसी टाइप की ट्रैवल बुक लिखी है इन्होंने। प्रोज राइटिंग में इनके ये कुछ वर्क हैं, फीनिक्स वन, फीनिक्स टू, पोर्नोग्राफी एंड ऑब्सेनिटी, साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस, फैंटासिया एंड द अनकॉन्शियस, इनके प्रोज राइटिंग के वर्क आ जाते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर्स इन 20th सेंचुरी लिटरेचर, ठीक है 20th सेंचुरी के बहुत वर्सटाइल राइटर है। वर्सटैलिटी तो हमने देख ही ली, प्रोज पोएट्री फिक्शन सब लिख डाला, कुछ नहीं छोड़ा। बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स, लॉरेंस वाज आल्सो एन अकम्प्लिश्ड पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रैवल राइटिंग। देखो आप सोच रहे हो कि इसमें फैक्ट नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है, ये वाली लाइन फैक्ट है। अगर आप पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाई क्या है ये, किसके लिए मेन जाने जाते हैं, क्योंकि नॉवल्स के लिए हमें पहले टिक लगाना पड़ेगा, अगर उसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखा है, एसिस्ट लिखा है, पोइट लिखा है, हाँ लिखा है इन्होंने ये सारे वर्क एक बार, तो हाथ इसमें भी डाला है ना, हाथ आजमाया है, लेकिन हाँ नॉवलिस्ट हमें पहले लगाना है, इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि द फ्रेज इज रिलीजन ऑफ द ब्लड एसोसिएटेड विद डी एच लॉरेंस बिकॉज सेवरल ऑफ हिज नॉवेल्स एक्सपोज सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इसी वजह से इनको रिलीजन ऑफ द ब्लड ऐसा फ्रेज इनसे जुड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस तरह के इन्होंने नॉवेल्स लिखे। लेडी चैटरलेस लवर के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, प्रिस्क्राइब्ड ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्सेनिटी, अवेलेबल ओनली इन एक्सपर्गेटेड फॉर्म, ठीक है, ऐसे पब्लिकली ये पब्लिश हुई नहीं थी, ये बहुत बाद में हुई थी, 1960 के आसपास ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, जब 1928 में इटली में पब्लिश हुई थी और एक साल बाद फ्रांस में पब्लिश हुई थी छुपा के, वो भी जनरल नॉवल, रोमांस नॉवल, फिक्शन। कैरेक्टर्स थे इसमें ओलिवर मेलर्स, लेडी चैटरले, सर क्लिफर्ड, ठीक है। तो ये जो लेडी होती हैं चैटरले, इनके हस्बैंड होते हैं जो कि अपाहिज हो जाते हैं, फिर इनका किसी से अफेयर हो जाता है, फिर उनके हस्बैंड और एक और उसके लाइफ में एक और व्यक्ति लेकर आते हैं, काफ़ी इस तरह की रही वो कहानी, कंट्रोवर्शियल इसीलिए इनका नॉवेल रहा। सन एंड लवर पे आ जाते हैं, इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, 1913 में पब्लिश हुआ था। बिफोर पब्लिकेशन द वर्क वाज यूजुअली टाइटल पॉल मॉडल, जब ये पब्लिश नहीं हुआ था ना उसके पहले इन्होंने उसको ये टाइटल दे रखा था, है ना। कैरेक्टर्स इसके थे गर्ट्रूड कोपर्ट, वॉल्टर मॉडल, इंपॉर्टेंट है ये वाले। लॉरेंस रॉट सन्स एंड लवर्स विद द हेल्प ऑफ जैसी चैम्बर्स, बताया था इनकी हेल्प से लिखे उन्होंने, जैसी चैम्बर्स का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड मीट जैसी चैम्बर्स इन 1901, ये जैसी चैम्बर्स से 1901 में मिले थे। सन एंड लवर इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ही वॉज प्रोफाइंडली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्राइड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सेक्स, जैसा कि ये सेक्सुअल मैटर पर उन्होंने काफ़ी लिखा है, तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक है ना, हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, फ्राइड का नाम आता है, वही उनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ना। देयरफॉर सेक्स फॉर्म द सेंट्रल थीम ऑफ सेवरल ऑफ हिज नॉवल, सो मच सो दैट इज लेडी चैटरले लवर वॉज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द चार्ज ऑफ इंडिसेंसी एंड ऑब्सेनिटी, यही इजी से प्रभावित होकर ये ऐसे इन्होंने वर्क लिखे, जिस इसी वजह से तो लेडी चैटरली लवर जो इनका था उसमें इस तरह के चार्ज लगाए गए ऑब्सेनिटी के, इंडिसेंसी के, है ना। आर पी ड्रेपर सेज, इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में, लॉरेंस के नॉवेल राइटिंग, जैसे हमने अभी पहले बताया था नॉवेल राइटर के रूप में पहले माने जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि नॉवेल राइटर फॉर हिम, राइटिंग फॉर हिम मींस द क्लोज एंड पेनट्रेटिंगली ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस टू रिवील व्हाट मेक्स फॉर एंड अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। तो इन्होंने बताया इनके लिए कि इनका क्या मतलब है नॉवेल राइटिंग का, कि एक्सप्लोर करना ह्यूमन से एक्सपीरियंस को, रिवील करना इस तरह से लाइफ को, एनहांस करना, पर्सनल फुलफिलमेंट। फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियसनेस इज लॉरेंस अ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, इनका ये जो वर्क है फैंटासिया एंड अनकॉन्शियसनेस, ये स्टडी है किसकी, ह्यूमन साइकोलॉजी पर, इनकी स्टडी के रूप में इन्होंने लिखा है। इनका लास्ट बुक थी एपोकलिप्स, ठीक है। लॉरेंस एक्सप्लोर्स इश्यूज आर, जो इश्यूज इन्होंने स्पेशली दिखाए तो वो थे सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट,
इतने सारे इनके इश्यूज़ रहे इनके वर्क के। लॉरेंस ओपिनियंस अर्न्ड हिम मैनी एनिमीज एंड ही एंड्यूर्ड ऑफिशियल प्रोसिक्यूशन सेंसरशिप एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज क्रिएटिव वर्क थ्रू आउट द सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ। जब इनकी लाइफ का बात का जो हिस्सा चल रहा था, सेकेंड हाफ चल रहा था, जिस तरह के वर्क ये लिखते थे तो कई सारे इन्होंने अपने एनिमीज क्रिएट कर लिए थे और उनको इतनी ज़्यादा मिस रिप्रेजेंटेशन था इनका, मतलब इतनी वो नहीं थी समाज में प्रेस्टीज, ठीक है। और मच ऑफ विच ही स्पेंट इन अ वॉलेंट्री एग्जाइल ही कॉल्ड इज सेवेज पिलग्रिमेज। और इसी वजह से एग्जाइल रूप में रहे, अकेले रहे, और उसको इन्होंने सेवेज पिलग्रिमेज वर्ड नाम दिया था, ने अलोननेस को, है ना। ई एम फॉस्टर डिस्क्राइब हिम एज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ अवर जेनरेशन। ये टैग इन्हें किसने दिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इनके लिए, किसने बोली? ई एम फॉस्टर ने ये लाइन इनके लिए बोली है, क्या कि द ग्रेटेस्ट एंड इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ अवर जेनरेशन। डी एच लॉरेंस हैड अ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन पेंटिंग। ये भी थोड़ा मेंशन कर देते हैं कि हाँ, ये इनको इनका ये नेचुरल एक हॉबी थी, पेंटिंग करने का बहुत शौक था, विच बिकम वन ऑफ हिज मेन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज लास्ट ईयर्स। जब इनके जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में, इन्होंने अपने पेंटिंग्स के माध्यम से ही अपने एक्सप्रेशंस जो थे एक्सप्रेस किए थे, ना कि लिटरेचर के माध्यम से। तो पेंटिंग जो है वो भी इनका एक वो रहा, हॉबी के रूप में रहा। अच्छा, अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, MCQs वाले जो मैंने आपको बोले। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे और कहीं आंसर मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम तो बताएंगे ये आपको। डी एच लॉरेंस नॉवेल्स आर लार्जली लोकेटेड इन, तो जो इनकी नॉवेल्स होते थे उनकी लोकेशंस क्या दिखाते थे, ये माइनिंग कंट्री साइड ऑफ नॉटिंगम। मैंने बताया था ना, नॉटिंगम का नाम आएगा, यहाँ इनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डी एच लॉरेंस हैज ऑटोबायोग्राफिकल बार बार बताया है, सन्स एंड लवर। डी एच लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल थॉट एडवेंचर, विच ऑफ दिस, इनमें से कौन सी इनकी एडवेंचर तो है पर कैसा थॉट एडवेंचर वाली है, तो है कैंगारू। डी एच लॉरेंस लेडी चैटरलेस लवर इज जनरली कॉल्ड एन ऑब्सेंस नॉवेल, वाई, तो क्यों कही जाती है ये इनकी ऑब्सेंस नॉवेल, क्योंकि इसमें इसकी जो थीम है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस वाली थीम है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय डी एच लॉरेंस, इनमें से कौन सी जो है डी एच लॉरेंस की नॉवेल है, तो ये तो बहुत ईजी है। देखो अब जो हम वर्क पढ़ेंगे तो इसमें हम ईजिली बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी लॉरेंस की है, तो है द लॉस्ट गर्ल, है ना। वट इज़ द बेसिक थीम ऑफ लॉरेंस रेनबो, जो उनका रेनबो वर्क है उसकी बेसिक थीम क्या है, द बैलेंसिंग ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट। क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल वे में भी तो लिखे ना इन्होंने वर्क, तो बैलेंस इंस्टिंक्ट को और इंटेलेक्ट को बैलेंस करना इनके इस वर्क का था बेसिक थीम। फैंटासिया एंड द अनकॉन्शियस, अभी बताया था क्या है इनका, इज स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इंग्लैंड माई इंग्लैंड, ये इनका एक वर्क है इंग्लैंड माई इंग्लैंड, पर क्या है, देखिए प्ले है, पोएम है, नॉवेल है या स्टोरीज कलेक्शन है, तो ये इनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, इस तरह से भी बनेंगे वर्क। आपको पता है कि भाई ये माई इंग्लैंड लॉरेंस का वर्क है, पर उसका जैनर क्या है, तो वो एक शॉर्ट स्टोरीज करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इन विच ईयर डिड लॉरेंस डाइड, तो किस साल इनकी मृत्यु हुई थी, 1930 में। लॉरेंस ऑल्सो रॉट पोयम विद द टाइटल बे, तो ये इनका जो पोयम थी बे, तो क्या है वो, पोयम है, स्टोरी ऐसे ड्रामा नहीं है। हिज फेमस नॉवेल द वाइट पीकॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1911 में ये पब्लिश हुई थी इनकी, क्या फेमस नॉवेल द वाइट पीकॉक। Why is the phrase religion of the blood associated with T.H. Lawrence? ये जो इनके साथ, इनके वर्क के साथ एक फ्रेजेस जोड़ दिया गया था, रिलीजन ऑफ द ब्लड, क्योंकि क्यों जोड़ दिया गया था, बिकॉज सेवरल ऑफ हिज नॉवेल्स एक्सपोज सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बी आएगा इसका आंसर। वन ऑफ लॉरेंस नॉवेल वॉज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्सेनिटी, वो उनमें से कौन सी नॉवेल है, तो बता ही चुके हैं, लेडी चैटरलेस लवर। वन ऑफ लॉरेंस नॉवेल इज नाउ अवेलेबल ओनली इन इट्स एक्सपर्जेंट फॉर्म एंड नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो वो भी हमारी लेडी चैटरलेस लवर है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है उपलब्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लॉरेंस सी एंड सर्डानिया, तो ये इनका वर्क है सी एंड सर्डानिया, लेकिन इन्होंने इसका जेनर पूछ लिया है, तो जो कि एक ट्रैवल बुक है ना, सी से समझ लो समुद्र, घूमने गए, तो ट्रैवल बुक है ये इनकी। व्हाट इज लॉरेंस फीनिक्स, ये फीनिक्स क्या है इनका,
तो फिनिक्स एन का कलेक्शन ऑफ प्रोज आर्टिकल्स, प्रोज में पढ़ा था ना हमने, एक बार हम लोग आर्टिकल पे भी चले जाएंगे, आर्टिकल्स पे नहीं यहाँ ड्रामा पे, लेकिन ये फिनिक्स इनका प्रोज आर्टिकल्स के तहत आएगा। व्हाट इज़ लॉरेंस द मॉर्टल कॉइल, द मॉर्टल कॉइल इनका वर्क है पर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। देखिए इम्पोर्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, वर्क पे पूछ लिया तो उसके जेनर पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे जेनर में हाथ आजमाया है, तो इसीलिए तो ये ऐसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि ऐसे है, स्टोरी है, पोएट्री है, क्या है, क्योंकि इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, ट्रैवल बुक भी लिखी है, ऐसेज भी इन्होंने लिखे हैं, है ना। तो स्टोरीज़ है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है द मॉर्टल कॉइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच नॉवल डू मिस्टर एंड मिसेज मॉरल अपियर एज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, तो कौन से नॉवेल के कैरेक्टर हैं ये दोनों, सन्स एंड लवर के, ठीक है। इन सन्स एंड लवर्स मिस्टर मॉरल अपीयर्स इन रेड एंड ब्लैक कलर, व्हाट डू दीज कलर्स सिंबलाइज, तो इसका आंसर है सेंशुअल वाइटैलिटी, कि सेंशुअल वाइटैलिटी को दर्शाते थे कि जो मिस्टर मॉरल थे सन्स एंड लवर के कैरेक्टर, वो रेड और ब्लैक कलर में अपीयर होते थे, तो क्यों, हर चीज़ का रीज़न होता है ना। He was sent to the local board school for his early education. अर्ली एजुकेशन में जो बोर्डिंग स्कूल में भेजाए गए थे। इन विच ईयर डिड लॉरेंस मीट जैसी चैम्बर, जैसी चैम्बर ने जो उनकी बहुत हेल्प करी है तो लिटरेचर फील्ड में, तो 1901 में इनसे मिले थे ये। जैसी वॉज अ ड्रीमी गर्ल लाइक अ हीरोइन ऑफ वॉल्टर स्कॉट, तो ये जैसी के बारे में बताते हैं कि ड्रीमी गर्ल थी, जैसे कि वाल्टर स्कॉट की रचनाओं में उनकी हीरोइन हुआ करती। डी एच लॉरेंस वॉज रिलेटेड टू हिज मदर अंडर ईडीपस कॉम्प्लेक्स, देखिए ईडीपस कॉम्प्लेक्स का तो सुना ही होगा आपने, है ना, मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रा, एक होता है ईडीपस। ईडीपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सन होता है, बेटा जो होता है अपनी मदर के बहुत करीब होता है ना, और इलेक्ट्रा में क्या होता है, बेटियां फादर के बहुत करीब होती हैं। तो ये जो है ना, डी एच लॉरेंस का भी ऐसे ही था, ये ईडीपस से बहुत प्रभावित थे, मदर से बहुत कनेक्टेड थे। डी एच लॉरेंस वॉज मैरिड टू फ्रीडा वीकली, फ्रीडा वीकली से उनकी शादी हुई। लॉरेंस रॉट सन्स एंड लवर विद द हेल्प ऑफ जेसी चैम्बर, जैसी चैम्बर की हेल्प से लिखी थी सन एंड लवर्स इनका जो वर्क है। टॉम एंड लीडिया आर सेंट्रल कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, देखिए अब नॉवेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके कैरेक्टर का नाम भी हमें देख ही लेना चाहिए, तो इसका आंसर है द रेनबो, द रेनबो के कैरेक्टर हैं टॉम एंड लीडिया, और लीडिया इनकी मदर का भी नाम है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेडी चैटरलेस हस्बैंड, लेडी चैटरले के हस्बैंड का नाम था क्या, मेलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉवेल रिटन बाय लॉरेंस, इनमें से कौन सी नॉवेल लॉरेंस ने नहीं लिखी है, देखो नहीं वाले पूछ लिए तो हमें पता है, एरोंस रोड, कैंगारू लिखी है, द लॉस्ट गर्ल भी इनकी है, द बर्निंग व्हील इनकी नहीं है। हिज फादर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग अदर वर्कर्स, ये जो इनका बायोग्राफी लाइफ जो रही उसका कहा है कि इनके फादर्स जो कोल वर्कर थे फेमस थे उनमें। वट वॉज द हॉबी ऑफ लॉरेंस फादर, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ। लीडिया वॉज द मदर ऑफ डी एच लॉरेंस, मदर का नाम पूछ लिया सीधे सीधे। इन विच ईयर वॉज डी एच लॉरेंस बॉर्न, अब देखिए फर्स्ट पेज से ही कितने क्वेश्चन बन गए। 1885 में इनका जन्म हुआ था। लॉरेंस वॉज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के चौथे औलाद थे। वट वॉज हिज फादर, क्या थे, कोल वर्कर थे, क्या थे, कोल माइनर थे कि कोल वर्कर थे, कोल माइनर आएगा इसका आंसर, ठीक है, कोल तो सब में ही लिखा है, कोल माइनर। लीडिया वॉज द मदर हो गई, लीडिया बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली, ये जो इनकी मदर थी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। इस फादर हैड द ट्रेट ऑफ ह्यूमर इन हिज कैरेक्टर, ह्यूमर अच्छा जैसे होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर उस तरह का था इनका। तो कितने हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, लगभग 35 अराउंड MCQs हो गए हमारे, 45 पॉइंट्स हो गए। आई थिंक कि आप इस वीडियो के बाद आपको लॉरेंस पढ़ने की ज़रूरत शायद ही पड़े एग्ज़ाम के पर प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखिए अब ये TGT PGT के सभी के लिए होता है, लेकिन अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, उन सभी के लिए है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में इस तरह से बायोग्राफी लिखोगे तो अच्छा अलग ही लगेगा, जैसे कि चेक करने वाले अच्छे से उसमें मार्क्स आ सकते हैं। डिटेल में कहानियाँ लिखने का किसी को इतना वो नहीं रहता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पता चलेगा आपकी नॉलेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, इनको ज़रूरत है उन तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।